हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। हम लोगों ने NIOS से DL.ED किए हुए थे। जब हम लोगों ने 2017 में किए थे, हमको कराया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसमें NIOS के अध्यक्ष चंद्रभूषण शर्मा जी ने बोले थे कि ये डिग्री आपकी मान्य रहेगी और ये DL.ED के बराबर ही रहेगी। हम लोगों को 18 महीने का कोर्स करा के वैलिड बताया गया था। तो जैसे ही सरकार ने कहा कि 18 महीने का है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने किया। अगर वो 24 महीने का करते तो हम लोग 24 महीने का भी करते। उसी तरीके हमने प्रैक्टिकल किया, असाइनमेंट वगैरह सब बनाए, वर्क बेस्ड एक्टिविटी भी की, हमने सब कुछ किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हम लोगों का डिग्री ही इनवैलिड कर दिया। CTET का फॉर्म भी भरे, काफ़ी लोगों का BPSC TRE1 में जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो कार्यरत है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि NIOS डिग्री 18 महीने की वैलिड नहीं है। उसके बाद BPSC TRE 2.0 में NIOS वालों का रिजल्ट नहीं आया, BEd वालों का भी TRE1 में नहीं आया था रिजल्ट। उनका भी दर्द था, लेकिन BEd वालों की तो डिग्री वैलिड थी, हम लोगों की तो डिग्री भी इनवैलिड कर दी। कहीं पे भी हम उस डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मात्र एक कागज़ का ही टुकड़ा का रूप में हो गया, यानी कि वो एक रद्दी कागज़ के रूप के जैसा हो गया। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी, काफ़ी सारी भर्तियां आने वाली थी जिसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते। ऐसा नहीं है कि जो NIOS वाले थे तो वो टैलेंटेड नहीं थे, थे, लेकिन जिसके दिल पे बीतती है वही दर्द जानता है, बाकी क्या जाने कोई। लेकिन ये NCTE ने अपने गजट में पास नहीं किया, इस वजह से ऐसा हुआ। और सरकार चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकती है, और NCT भी चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकती है, जिससे कि जो का बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो उम्र उसका मेहनत पैसा गया, मेहनत गया, बर्बाद हुआ सब कुछ, उसका हिसाब कौन देगा। बस यही कहने के लिए कि NIOS वालों के लिए न्याय होना चाहिए।